हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड दिशा। आज फिर से नया वीडियो ले आई हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ब्लूम हुई है। ये मेरा केलांचू का प्लान है, देख ही सकते हो कितनी अच्छी ब्लूम हुई है और कितनी बड़ी बड़ी जो इसकी गुच्छा है, देखिए बहुत ही प्यारे से। ये मेरा लास्ट ईयर के प्लान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पॉट में ही लगाया हुआ था, तो अभी मैंने प्रूनिंग कर लिया है। तो पहले वीडियो में मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ से जो मेन ब्रांचेस है इसको मैंने काट कर लिया था, देखिए। तो अभी यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी सी ब्रांच निकल के आई है, देख ही सकते हो कितने प्यारे से करके। तो यहाँ से बहुत सारा कटिंग मैंने लगाई है, तो अभी इस कटिंग्स को आज रिपोर्टिंग करनी है। तो कैसे मैंने कटिंग्स लगाया है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है और खाद कौन सी चाहिए, कितना चाहिए, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो इस सब बारे में आज बात करूंगी। और यही होगा मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ भी मैंने कुछ कटिंग्स लगा लिया था। यह बैरिकेटेड है केलांचू। तो देखिए, कुछ कटिंग्स मैंने लगाया था। तो अभी ये देखिए, छोटी छोटी से पत्ती अभी इसमें निकल के आई है। मैंने बालकनी में ही हमेशा से रख दिया है, मैं ज़्यादा धूप में नहीं रखती हूँ। धूप में रखने से इसका पत्ती का कलर जो है थोड़ा सा रेड जैसा हो जाता है, तो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने मेरे बालकनी में ही रख देती हूँ हमेशा से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स लगाई है, देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है कटिंग्स, देखिए। मैंने कुछ दिनों पहले ये कटिंग को लगाया है, तो अभी इसमें अच्छे से रूटिंग भी आ गए होंगे। तो केलांचू प्लांट को ये कटिंग से भी ग्रो करवा सकती है और पत्ती से भी आप लोग ग्रो करवा सकती है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैंने पत्ती से भी ग्रो करवाई है। तो ये केलांचू सकुलेन से बिलोंग करती है, सकुलेन फैमिली से, तो इसलिए ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत नहीं है समर के टाइम। तो समर के टाइम में थोड़ा सा अगर मिट्टी सूख गया हो तो आप लोग पानी देते रहिएगा। तो मैं तो बालकनी में रख देती हूँ, इसलिए मुझे डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तीन चार दिन में मैं एक बार वाटरिंग करती हूँ। विंटर में थोड़ा सा कम पानी देना चाहिए। तो देखिए, मेरा मिट्टी अभी ऐसे है, बिल्कुल भुरभुरी। ये देखिए, थोड़ा सा मॉइस्चर है और हाथ में भी नहीं लगते, तो ऐसा मिट्टी है मेरा अभी। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं स्प्रे करके दूंगी तो यह अच्छे से चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिपोर्टिंग के लिए कौन सी कैसे मिट्टी ली है। मैंने इसमें रिबर्सिन मिलाया है और नॉर्मल गार्डन सोयल, और ये देखिए कोकोपीट, सॉरी बर्मी कंपोस्ट लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने कोकोपीट भी लिया है इसमें, देख सकते हो। ये केलांचू प्लांट को वेल ड्रेन मिट्टी बहुत पसंद है, हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी आप लोगों को बनाना होगा। ऐसा करके मिट्टी को जब आप लोग मीडिया तैयार करेंगे तो ऐसा करके आप लोगों को तैयार करना होगा, नहीं तो ये गल जाता है रूटिंग इसका। और ज़्यादा वाटरिंग ना करें, अगर कम धूप मिलता है तो आप लोग टेरेस में रख सकते हो। तो मेरे बालकनी में तो ऐसे 2-3 आवर्स धूप मिल जाती है, इसलिए मैं बालकनी में ही रख देती हूँ, धूप में नहीं ले जाती हूँ मैं। और पत्ती को अच्छा सा रखने के लिए शेडी एरिया में रखने से अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिला लिया है, तो इसमें मैंने यह छोटी सी पॉट है इसमें ही मेरा हो जाएगा। तो अभी मैंने कंकर डाला और इसमें मिट्टी डाल के अभी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ।
देखिए, मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए और मिट्टी मॉइस्चर रखने की कोशिश करें, ज़्यादा वाटरिंग ना करें, नहीं तो ये गल जाएगा, मैंने पहले बोला है। देखिए फ्रेंड्स, बारिश हो रही है, 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम है अभी इस टाइम। तो देखिए, अभी यहाँ से कटिंग्स मैं लगाने वाली हूँ, छोटी छोटी सी कटिंग्स भी मैंने लगाई है। देखिए छोटी सी कटिंग्स है ये, मगर ये देखिए कितनी अच्छी से रूट्स इसमें तैयार हुआ है। तो अभी ऐसे ही करके मैंने एक एक करके रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। आप लोग ने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। अभी तो मुझे ज्यादा पॉट्स नहीं चाहिए, मेरा ऑलरेडी 3 पॉट्स हो गया है, तो इसीलिए मैं एक पॉट में अभी 3-4 प्लांट एक साथ लगाने वाली हूँ। 3-4 प्लांट एक साथ में लगाने वाली हूँ, फिर भी और भी कुछ कटिंग्स मेरा रह जाएंगे, तो इसको अगर कोई है तो मैं दे दूंगी, नहीं तो मैं क्या करूं, फेंकने से अच्छा है मुझे फिर से लगा लेना पड़ेगा। वैसे मेरा बालकनी अभी बहुत प्लांट्स हो गया है बालकनी में, ये देखिए कितनी अच्छी से रूटिंग हुआ है, मैंने छोटी छोटी से कटिंग्स लेके लगाया था। देखिए ज्यादा केयर की तो जरूरत नहीं है ये केलांचियो प्लांट, और खाद की तो जरूरत भी नहीं है, मैं तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से डालती हूँ इसमें, और इससे ज्यादा कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ, इतना जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो 2 हफ्ता में एक बार मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइजर आप लोग डाल सकते हो 2 हफ्ता में, वो भी चाहे तो 1 मंथ में एक बार डालने से भी हो जाएगा, अगर वर्मी कंपोस्ट मिला के आप लोग पौधा लगाया है तो मैं इतना अच्छा केयर नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीका से ग्रो करवाती हूँ प्लांट्स, तो जितना होगा तो ऐसा करके मैं करती हूँ, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। ये विंटर में खिलती है ये फ्लावर बहुत अच्छी, तो अभी से तैयार करना होगा ना प्लांट्स, अभी से अच्छा हेल्दी ग्रो होंगे तो विंटर में भी बहुत सारे फ्लावर्स मिलेंगे आप लोगों को, इसीलिए अभी से मैं तैयार कर रही हूँ। अभी सितंबर मंथ है तो ये खिलते खिलते फरवरी मार्च में खिलेगा, फरवरी मार्च आप लोगों को फ्लावर्स मिल जाएगा। अगर अच्छे से अगर आपने केयर किया है तो ये साल में 2 बार फ्लावर ले सकते हैं, समर में एक बार और विंटर में तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा इस बार दो दो बार फ्लावर हुआ है, विंटर में तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुआ था, और इसके बाद समर में भी मेरा बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ है, और इसके बाद ही मैंने प्रूनिंग किया था, प्रूनिंग करके वहां से कुछ कटिंग्स मैंने लगा के रखा है, और अभी इस प्लांट्स को ही इस कटिंग्स को अभी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आप लोग अभी भी नहीं किया है तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, शायद मैं लेट हो गई हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से प्लांट्स को रिपोर्टिंग कर लिया है, और इसमें जरूरत के हिसाब से मैंने मिट्टी भी डाल दिया, तो अभी इसमें पानी डालूंगी, तो देखिए अभी इसमें पानी डालने से हो जाएगा। तो देखिए मैंने पत्ती से भी ग्रो किया था, मगर मेरा दोगी है ना, मेरा दोगी ने जिस प्लांटर में मैंने लगाया था, मेरा दोगी को बहुत गुस्सा आया, तो प्लांटर मेरा मिट्टी का गमला था तो वो टूट गया, तो वहां से निकल के मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, मगर देखिए इसमें बहुत अच्छे से रूटिंग्स हुआ है, और ये देखिए इसका आई जो बोलता है ना, यहाँ से अभी नया प्लांट्स निकल के आएगा,
तो देखिए कितने अच्छे रोड्स हुआ है। तो यहाँ से ही अभी प्लांट्स होगा, नया प्लांट्स निकल के आएगा, मगर मेरा बाबू के वजह से ऐसा खराब हो गया है। क्या करूं मैं इस बाबू को। तो आप लोग देखिए, पत्ते से भी बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकती है, कटिंग से, पत्ते से बहुत आसानी से इजी तो ग्रो करवा सकती है आप लोग। तो इतना ही, मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।